मौसम विभाग द्वारा जारी बारिश की चेतावनी को धान खरीदी कर रहे जिले के जिम्मेदारों ने हल्के में लिया, जिसके कारण उन्होंने खरीदी केंद्र में धान को बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए और करीब 109 करोड़ की करीब करीब 5.5 लाख क्विंटल धान पानी में भीग गई। किसानों से धान खरीदने वाली समिति केंद्र में सरकारी अनाज की सुरक्षा को लेकर कोई खास इंतजाम नहीं कर पाई। धान के बोरे में ना तो स्टैकिंग कराई गई और ना ही पन्नी तिरपाल से ढका गया। इसका नतीजा केंद्र में धान से भरी बोरियां चोरों और बिखरी हुई पड़ी मिली। सभी विदिशा वस्त्र विक्रेता संघ और रेडीमेड संघ की दुकानें बंद हैं और आज ये आंदोलन केंद्र सरकार से जो बढ़ी हुई GST है 5% से 12% करी गई है उसको वापस लेने की मांग रखते हुए आज ये आंदोलन किया जा रहा है। यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा? ये हम लोगों की लड़ाई नहीं है, ये आम जनता की भी लड़ाई है, इसलिए सबका सहयोग लेके हम आगे भी बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ने के मूड में हैं, क्योंकि महंगाई के दौर में इस वक्त बहुत रेट बढ़े हुए हैं कपड़े के, वैसे भी धागे के, इसलिए हम चाहते हैं कि ये GST बढ़ी हुई वापस ली जाए।